हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, अभी मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे मेरे साथ में पीयूष है और सामने हैं पारस भैया। इससे पिछले व्लॉग में आपने देखा हम घर से यहाँ तक आए थे और इस व्लॉग में हम जाएंगे पहाड़ की तरफ, तो वो आप देखोगे। तो चलो चलते हैं। एक व्लॉग मैंने यहाँ पे एंड किया, एक स्टार्ट कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ जाने के लिए, वहाँ पे राइड करने के लिए पहाड़ों के बीच में। सबका ड्रीम होता है कि पहाड़ों के बीच में हम अपनी खुद की बाइक लेके जाएं और हम पहाड़ों पे राइड करें, तो वो मेरा ड्रीम पूरा होने वाला है अब। तो चलो चलते हैं। पीयूष भी मेरे साथ में पीछे बैठा है, हवाएं चल रही हैं मस्त मस्त ठंडी ठंडी। अब स्टार्ट हुई है पतली पतली रोड। अब शायद ऊपर चढ़ेंगे ना तो आएगी शायद खतरनाक रोड, देखते हैं। 20 किलोमीटर दिखा रहा है। ओए, ये देख क्या लिखा हुआ है, वाइल्ड एनिमल्स हैं यहाँ पे। मतलब सच्ची में होते हैं क्या यहाँ पे? वो तो गाय है, डरा मत तू, गाय से डरा रहा है मुझे। तो भाई सामने का व्यू कितना प्यारा आ रहा है, कितनी शांत रोड पहाड़, और हम ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। और यहाँ लिखा है कि जंगली जानवर से बच के रहना, उससे थोड़ा डर लग रहा है बस कि कहीं सच्ची में जंगली जानवर ना आ जाए। अब मोड़ आएगा तगड़े वाला, मैप में दिखा रहा है ना मोड़ में, ध्यान से चलो, फर्स्ट टाइम चला रहा हूँ। हाँ भाई, ये खतरनाक रोड। अरे भाई ऊपर चढ़ना है। अरे भाई ओ पीयूषी, ड्रीम पूरा हो गया आज तो। हाँ यहाँ पे रोड थोड़ी पतली है, कोई बात नहीं चला लेंगे। अब भाई ये यहाँ पे थोड़ी साफ सुथरी रोड, अब चलाएंगे सही से। बाय द वे बहुत मजा आ रहा है लिटरली गाइस, वीडियो में जस्टिस नहीं कर सकता। हमको बस होटल मिल जाए यहाँ पे कोई रहने के लिए। मोड़ पे हॉर्न देना चाहिए, और पेट्रोल भी खत्म होने वाला है यार, पेट्रोल पंप तो होगा यहाँ पे शायद। तो गाइस यहाँ पे पेट्रोल पंप तो है नहीं, हमने किसी से पूछा, वो कह रहे कि इधर से आगे चले जाओ तुमको दुकान पे मिल जाएगा, मतलब थोड़ा महंगा मिलेगा। देखते हैं कौन सी शॉप में मिलता है। पेट्रोल पंप होना चाहिए यार, टूरिज्म वाली जगह पे है। पेट्रोल पंप नहीं है लेकिन फिर भी पेट्रोल मिलेगा, ऐसा सोचा इधर कभी ऐसा पूछेंगे पेट्रोल कहाँ मिलेगा? पेट्रोल ऑब्वियसली पेट्रोल पंप पे मिलेगा, लेकिन यहाँ पे पेट्रोल पंप पे नहीं मिलेगा, यहाँ पूछ पूछ के दुकान पे मिलेगा। उतर जा भाई, मेरे बम में दर्द हो गया। ले भाई पेट्रोल की अलग आफत आ रही है यहाँ पे। 2 लीटर मेरी वाली में भी डाल दो। पेट्रोल पंप नहीं होते भैया यहाँ पे? क्यों बनाए नहीं? अच्छा मेरी वाली में भी डाल देना। और यो ये देखो गाइस, बोझो की याद आ रही है यार। आपके में भी डालना? हाँ हाँ डाल दो, हाँ डाल देना। 4 लीटर भैया अंडर वाले, 4 लीटर मैं डलवा लेता हूँ। यार कितना प्यारा है यार, इंस्पायरिंग बाय ओरियो, ओरियो जैसे बनेगा। मतलब इंग्लिश तो बोल ढंग से पहले। कितना है, 1-1 लीटर है? 4 लीटर डाल दो भैया। तो फाइनली हम पहुंच तो चुके हैं अभी मोरनी हिल्स, यहाँ से हमको जाना है टिक्करताल। वहाँ पे मिल जाएंगे ना होटल रूम वगैरह? तो सारा मिलेगा जी, हम बुकिंग वगैरह कुछ करके नहीं आए वैसे। वहीं टिक्करताल पे मिल जाएंगे ना वहाँ पे? कितना डाल दिया, हो गया एक और? एक एक लीटर वाली 4 बोतल डलवाई है, इतना तो हो ही जाएगा। 100 रुपये लीटर वही है, वहाँ भी 100 ही है, ब्लैक पे तो नहीं मिला वैसे, उतने पे ही मिला है। 100 वहाँ पे है, 100 यहाँ मिल गया। चले फिर घुमाते हैं, अब हमको जाना है वापस। हम ऊपर से नीचे आए हैं पेट्रोल लेने के लिए। ओहो चिप्स मिल गए, फिर उसको सही है, खाने को मिलते जा रहा है इसको। अब बाइक में पेट्रोल आ गया तो अच्छी वाली फीलिंग आ रही है। जब पेट्रोल नहीं होता ना तो ऐसा लगता है यार क्या होगा अगर नहीं मिला तो, बंद हो जाएगी बाइक, ऐसी फीलिंग आती है। अब ठीक लग रहा है, फुल हो चुकी है, आराम से घूमेंगे। बस एक बात का डर है, कहीं कुछ मिला के ना दे दिया पेट्रोल में, बाइक ख़राब हो जाएगी हमारी। तो अभी हम यहाँ पर रुके हैं, थोड़ा बहुत फ़ोटोज़ वगैरह लेते हैं। बाइक हमारी यहाँ पर खड़ी है और व्यू देखो कितना प्यारा है। वो तो अपने खाने में लगा हुआ, वो तो उसका तो बस यही काम है। मेरे बालों का हाल देखो क्या हो गया, हेलमेट डाल रखे है पिछले 7 घंटे से। ये तो बस खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। बाय द वे यार ये हेलमेट मस्त लिया है तुमने, है ना बीसी? देख 150 रुपये का नहीं है भाई, बैठ जाएगा, बैठ जाएगा, मस्त लग रहा है। बैठ तो जाओ लेकिन नीचे देख लो। ओ पीयूषी मार खाएगा, यहाँ नहीं चढ़ना। पीयूषी पीयूषी भाई भाई भाई
प्लीज मैं थप्पड़ मारूंगा नहीं तो थप्पड़। हाँ ये इस चीज में नौटंकी नहीं चलेगी। देख चले फिर अब मस्त लग रही है बाइक भी, पहाड़ भी, रोड भी और हम भी। ये बाइक बहुत कम, अरे गिर गया। ये बाइक बहुत कंफर्टेबल है लॉन्ग ट्रिप्स के लिए, पहाड़ के लिए। ये वाली तभी आपकी कमर में दर्द हुआ, मेरे नहीं हुआ। मैं 7 घंटे से राइड कर रहे हैं। चलो मेरा सही डिसीजन था वो लेने का। तो फिलहाल हमने फोटोज क्लिक कर लिए यहाँ पे मस्त मस्त और निकलते हैं अब यहाँ से। यार ये खाने में लगा हुआ है, पहाड़ में भी खाने में लगा रहेगा तू। चल अपना हेलमेट डाल, ले हेलमेट डाल। मैं कह रहा हूँ जंगली जानवर भी आते हैं, जल्दी चलो यहाँ से। वहाँ पे लिखा था जंगली जानवर सावधान। ये तू जानवर ही है भाई, तेरे से तो कोई सावधान नहीं रहेगा। नौटंकी मत कर यहाँ। यार तू तो कह रहा हूँ हेलमेट डाल के रेडी हो ले। थकान हो गई। मैं फेंक दूंगा नीचे तेरे को। फेंक दो। मैं थप्पड़ मार दूंगा। मारू क्या थप्पड़? यार ये मजाक करने का टाइम नहीं है। चल पीयूष। और नहीं पीयूष वो भाग गया। हाँ भाई एक बार बस होटल लेने दो, उसके बाद तू कितनी बकवास कर लियो, कितना नौटंकी कुछ भी कर लियो। चलो दो यार। ये पहाड़ों पे आ गया, एक्साइटेड हो गया। अब जल्दी ही चलते हैं और कोई होटल लेते हैं। यार आज रात को यहीं रुकेंगे, फिर कल निकलेंगे कहीं और। अभी टाइम क्या हो गया रे, 6 बज गए हैं। अपन कितने बजे निकले थे? 10:30 बजे निकले थे, तो अभी 6:12 हो गए हैं। अराउंड 8 घंटे हो गए। अरे अरे रोड भी ख़राब है यहाँ पे, आराम से चलानी पड़ेगी। अरे रोड तो आगे देख कैसी रोड है गाइस, रोड देखो कैसी आगे, सारी पूरी मुड़ी मुड़ी रोड है, खतरनाक रोड आगे। ऐसी जगह पे ना गाड़ी लाने का इतना मज़ा नहीं है जितना बाइक में आने का मज़ा है। वो ऐसा है टिकर ताल, वो सनसेट होने वाला है। कितने? 40 रुपए। दोनों के 40। तो टिकर ताल पे पहुंच चुके हैं और अभी अंधेरा नहीं हुआ यार। यहाँ पे तो काफी सारी गाड़ियां हैं बाइक से। पीयूष को पता नहीं इस बैग से क्या दुश्मनी है, मुझे दे देता है। तो सामने है टिकर ताल, अभी चलते हैं वहाँ पे। और मैंने पूछ लिया उनसे ये सारे होटल दिए हैं। हाँ खाली है, इन्हीं में रह लेंगे। वो कितना मस्त लग रहा है पहाड़ों के बीच में। तो हम इन्हीं में से किसी में देखते हैं, कुछ मिलेगा तो जुगाड़ हमको रहने का आज रात के लिए। बोटिंग भी है इसमें, देखो वो रही कर रहे हैं लोग, देखते हैं अगर बोटिंग हुई तो कर लेंगे। झील बहुत गहरी है, इसमें तैरना सख्त मना है। इसी ठीक है, तैरियो मत। अरे वाह। सब्सक्राइबर जी। तो यहाँ पे बोटिंग भी है वहाँ पे, अभी चलते देखते हैं। करेगा पीयूष बोटिंग है? चले फिर। चलो उधर चलते बोटिंग करते हैं। चलो। अभी से? हाँ चलो चलो, बोटिंग ऑन है, बोटिंग ऑन है। अभी कर लेते हैं ना कि कल निकल लेंगे ना फिर अपन। अभी ऑलमोस्ट अंधेरा होने वाला, तो हम सोचे जल्दी से बोटिंग कर ही लेते हैं थोड़ी बहुत। जल्दी टिकट ले लो। तो भी भैया वहाँ पे टिकट ले रहे हैं। जैकेट तो पहनो जाके। अरे ऐसे चल जाएंगे? ये गधे हो गया। बिना जैकेट के नहीं जा सकते क्या? चले सबको डाल लें जैकेट। हाँ, बिल्कुल। अच्छे से बांध दो इसको। तो अभी बोट बंद होने वाले, जल्दी जल्दी हमने टिकट ले ली। अरे यार कुत्ता तैर रहा है वहाँ पे, कुत्ता तैर रहा है, उसको डूबेगा नहीं क्या? और भी तैर सकता है क्या ऐसी? कौन सा कुत्ता है ये? देखो ना कैसे तैर रहा है, अभी कूद गया ना, मुझे डर लगा कौन कूद गया एकदम से पानी के अंदर। तो अभी हम बोट में तो बैठ चुके हैं, काफी मस्त व्यू आ रहा है और अभी 7 बजने वाले हैं, नैनीताल वाला व्यू आ रहा है। तो आधे घंटे के लिए हमको बोट मिली है। मतलब एक ही दिन में हमने 250 किलोमीटर कवर किए अराउंड। भाई नहीं 300 किलोमीटर हो चुके हैं। 300 हो गया है? 300 किलोमीटर कवर किए हैं, 4-5 बार रुके भी हम खाने पीने के लिए, और लास्ट में हम यहाँ पे बोटिंग कर रहे हैं। जो नैनीताल नहीं जा सकता ना वो यहाँ पे आ सकते हो अगर आप हरियाणा से हो। अब सुनो गाइस, आपको कुछ सुनाई दे रहा है? बिल्कुल शांति। अब चलिए हवा। चलो फिलहाल अब हम जा रहे हैं वापस, अंधेरा हो ही गया है। अब जाके पहले तो यार रूम लेना है। तो अभी अंधेरा हो चुका है अच्छे से और अभी हम पहाड़ों के बीच में है झील के पास, और हमारे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है। कहाँ हम जाएंगे, कहाँ रहेंगे रात भर? है तो सही ठिकाना। क्या है ये?
नहीं नीचे सोना रहेगा भाई, जंगली जानवर आते हैं यहाँ पे, तो देखते हैं अगर कोई रूम मिलता है तो। यहाँ पे बिल्कुल अंधेरा हो गया, कुछ शक्ल भी दिख रही है हमारी तो भाई। इस टाइम अब लग रहा है कि सोनी का कैमरा लेना चाहिए था। तो गाइस फाइनली हमको यहाँ पे एक रूम मिल चुका है जिसमें हम चार जने रहेंगे और काफी सही रूम है। और पीयूष यहाँ पे छानबीन कर रहा है कि यहाँ पे पड़ा क्या हुआ है, सब आगे सब देख डाला इसने। ओए क्या कर रहे है? टीवी रुक जा, मतलब इतना ट्रैवल करके आए हैं उसके बाद भी मुझे कुछ फील ही नहीं हो रहा कि कोई भी, मुझे थकान ही नहीं लग रही, पता नहीं घर में बैठे बैठे मुझे थकान लगती थी, इतना घूमा इतना बाइक चलाई है।